सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में ड्रॉ करने वाला हूँ जो कि है जुमांजी मूवी का कोई कैरेक्टर, बट इनका रियल नेम मुझे मालूम नहीं है। इनका रियल नेम क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से मुझे कमेंट करके बता देना, नहीं तो मुझे खुद मालूम लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इनका मतलब रियल नेम मुझे मालूम नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया है। बट हाँ गाइस, इनका जो मतलब जुमांजी वाली मूवी में जो इनका कैरेक्टर मतलब जो इन्होंने रोल प्ले किया है वो मुझे मालूम है, जो कि है एक शायद से गाइड का है। हाँ, गाइड का ही है। इनके जो कॉस्ट्यूम है उसमें भी कहीं पर लिखा हुआ था। तो जो गाइज, मैं मतलब सडनली इनकी ड्राइंग ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि मैं मतलब सोच रहा था कि मैं किसका ड्राइंग करूँ किसका ड्राइंग करूँ, एंड ऐसे ही मैं जो रिसर्च करने लगा कि मैं मतलब कौन सा ड्राइंग करूँ पिंटरेस्ट में, ऐसे मैं ताक झाक कर रहा था, तो इनकी जो रेफरेंस स्केच मुझे मिल गया एंड काफ़ी अच्छे लगने लगा था मुझे, तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया। एंड हाँ गाइज, मैं इसको ड्रॉ करने लग गया एंड आपको अभी आप देख रहे होंगे। एंड हाँ गाइज, मेरे जल्द ही 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट होने वाले हैं, एंड थैंक यू सो मच और मुझे सब्सक्राइब करने के लिए। मुझे लगा ही नहीं था कि मुझे मतलब इतने ज़्यादा मेहनत के बाद जो है मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, बल्कि मुझे तो ये लगा था कि मेरे बिना मेहनत के 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे कुछ भी, पर मैं अभी 700 पर ही अटका हूँ। पर तो क्या कर रहे हो गाइज, यार जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब का बटन ठोक दीजिए एंड साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लीजिए, ताकि मेरे जो न्यू ड्राइंग की वीडियो हो आपको मिलते मतलब पहुँचते रहे आपके पास। एंड आप बिगनर हो तो आप उनसे सीख सको, कुछ ना कुछ तो मतलब ज़रूर सीखोगे, खाली मतलब नहीं होगा। तो सब्सक्राइब कर लो यार जल्दी से, एंड जल्दी से जल्दी मेरे जो है 100,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करो। एंड हाँ गाइस, इस वाली वीडियो में आपको ये मैं नहीं बताने वाला कि यहाँ पे मैंने ये किया वहाँ पे वो किया, आउटलाइन को इस तरह से ड्रॉ करते हैं, इसमें मैंने मैकेनिकल पेंसिल का यूज किया एंड इसको इरेज करने के लिए ये किया वो किया एक्सेट्रा बला 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 वट एवर। तो क्योंकि मैंने हर वीडियो मतलब बहुत ज़्यादा वीडियो में ये बक बक कर चुका हूँ, एंड अब मैं आपको ज़्यादा पकाने वाला नहीं हूँ कि ऑनलाइन में ये करना है वो करना है वो करना है ये करना है, ठीक है गाइज। तो आप मेरी वीडियो को अकॉर्डिंग जो है आप वीडियो को देख लेना जो मतलब ऑनलाइन की वीडियो होगी, एंड उसमें आपको कुछ नया दिखेगा और आपको लगेगा कि ये मुझे सीखना चाहिए। तो आप वीडियो को अकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि मैंने गाइज वीडियो को काफ़ी ज़्यादा मतलब नॉर्मल वाला स्पीड किया है, कुछ ज़्यादा फास्ट नहीं किया है। तो आप इसमें आराम से देख के मतलब सीख सकते हैं, तो आप वीडियो को अकॉर्डिंग देख सकते हैं, तो देखिए और क्या ही कर सकते हैं आप लोग। सो गाइस, आउटलाइन कंप्लीट हो चुकी है एंड अब बारी है इसके अंदर की सेटिंग करने की। तो गाइस, सबसे पहले सेटिंग करने के लिए मैं करता हूँ यूज़ मैकेनिकल पेंसिल एज यूजल, जैसे कि आपको लोगों को पता ही होगा। तो इससे गाइस मैं काफ़ी मतलब आराम से ड्रॉ कर रहा हूँ, एज यू कैन सी मैं किस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब काफ़ी आराम से जो है ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मैं मतलब आपको दिखाना चाहता हूँ कि मतलब मैं कितने पेशेंस से जो है ड्रॉ करता हूँ। आपको भी बिल्कुल इसी तरह से ड्रॉ करना चाहिए, एकदम पेशेंस से आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम बारीकी से जो है मैं अपने ड्राइंग को ड्रॉ करता हूँ। एंड आप भी गाइज एकदम आराम से बारीकी से एंड ऑब्जर्व करके अपने रेफरेंस स्केच को आराम आराम से ड्रॉ करना। एंड गाइज, अभी मैं इसमें सिर्फ एक ही लेयर करूँगा एंड जहाँ पर डार्क होगा वहाँ पर दो लेयर कर लूँगा। तो इसी टाइप अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। इसी तरीके से जो है मैं अपने ड्राइंग को ड्रॉ करता हूँ, सबसे पहले फर्स्ट लेयर करता हूँ एंड जहाँ पर डार्क है वहाँ पर दो लेयर कर लेता हूँ, ताकि बाद में ड्रॉ करने में आसानी हो। तो गाइस, आप इसमें देख पा रहे हो मैं किस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो अभी आप मतलब जो मेरी वीडियो है उसको आराम से देखिए, क्योंकि ज़्यादा कुछ करने होने के लिए अभी मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैंने सबका ट्यूटोरियल जो है आपको दे दिया है। तो अभी आप वीडियो को देखिए एंड कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो उसको जरूर से आप सीख लेना। सो गाइस, इस वाले पार्ट में मैं सिर्फ इनके आउटलाइन एंड सेटिंग कर पाया एंड इसके जो इसमें सेटिंग भी काफ़ी बाकी रह गई है एंड इसमें ब्लेंडिंग भी मैंने नहीं किया है। तो इसका आगे का प्रोसेस आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में देखने को मिलेगा। तो एंड शायद से आपको इसका नेक्स्ट वाला पार्ट जो है काफ़ी देर बाद देखने को मिलेगा, बिकॉज गाइस मेरे एग्जाम भी चल रहे हैं एंड मुझे एग्जाम्स की तैयारी भी करनी है। तो हो सकता है कि मतलब काफ़ी देर बाद इसका नेक्स्ट वाला पार्ट जो है वो आएगा, मतलब बाकी मैं कोशिश करूँगा कि इसको जल्द से जल्द ड्रॉ कर लूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही, होप करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा करना, कमेंट लाइक शेयर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।